अकाउंटिंग साइकिल के इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए यह एक साइकिल है ऐसा समझ लीजिए मैं आपको डेली रूटीन का लाइफ का एग्जाम्पल भी देने वाला हूं और आपको अकाउंट्स के टॉपिक को उसी के साथ कनेक्ट करने वाला हूं कैसे ध्यान से देखिएगा पहले हम अकाउंट्स की सिंपल सी लैंग्वेज को समझ लेते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं बिजनेस में हमारे लेन देन होते हैं क्या होते हैं लेन देन उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन बोलते हैं क्या ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन को हिंदी में कहा जाता है लेन देन कैसा लेन देन सोच के देखिए बिजनेस में आपके काफी सारे लेन देन होते हैं आप बिजनेस चला रहे हो क्या होगा सोच के देखिए आपने कहीं से गुड्स माल खरीदा आप सामने वाले को पैसे देकर आए और माल लेकर आए तो आपके लिए एक लेन देन है सामने वाला आपकी दुकान पर आया आपसे कुछ खरीद के लेके जाता है तो आपने उससे पैसे लिए और सामने वाले को माल दे दिया तो यह भी एक ट्रांजैक्शन है आपने बैंक से लोन लिया ये भी एक ट्रांजैक्शन है आपने टेलीफोन का बिल पे किया यह भी एक ट्रांजैक्शन है आप एक नई मशीन खरीद के लाए मशीन खरीद के लाए और पैसे देकर आए तो यह भी ट्रांजेक्शन है आप किसी से माल उधार खरीद के लाए माल किसी से आप उधार खरीद के लाए तो डेफिनेटली ये भी एक ट्रांजेक्शन है आपने बिजनेस में पैसा और लगाया तो ये भी आपकी बिजनेस की नजरों में ट्रांजेक्शन है आपने किसी को सैलरी पे की आपने किसी को मजदूरी का भुगतान किया तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में काफी सारे लेन देन होते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि बिजनेस में कौन कौन से लेन देन हो रहे हैं तो उसमें से कुछ स्पेशल टाइप के लेन देन को हम क्या करते हैं यहां पर रिकॉर्ड करते हैं इसको हम बोलते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक बिजनेस अगर, अगर आपका छोटा मोटा है लेन देन आपके ज्यादा नहीं होते होंगे की कहीं ना कहीं हेल्प लेनी होती है अब सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है ध्यान से देखिए सब्सिडरी बुक के अंदर आप कैश बुक परचेज बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स बुक और इधर सेल्स रिटर्न बुक तो ये बुक्स आपको अलग अलग मेंटेन करनी होती है मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं हूँ लेन देन होते हैं अगर लेन देन आपके बहुत कम है ज्यादा लेन देन नहीं है तो आप जर्नल से काम चला लेते हो जर्नल में जाते हैं और जर्नल में आप वहीं पर रिकॉर्ड कर लेते हो बिजनेस आपका बहुत बड़ा है ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है लेन बहुत ज्यादा होता है तो आप एक ही जगह पे खिचड़ी नहीं बना सकते तो आपको काम कहां पे करना होगा अलग अलग बुक्स में काम करना होगा और इन बुक्स में जो एंट्री आप नहीं कर पाते उसको आप जर्नल में लिख देते होंगे अब जब यहां पे काम हो गया तो उसके बाद आप क्या तैयार करते हो खाता बही तैयार करते हो इसको क्या बोलते हैं खाता बही आपने देखा है आप कभी किसी दुकान पे गए हो या किसी सेठ साहूकार के पास गए हो उसके पास एक रेड कलर की बुक होती है खाता बही बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं खाता बही तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और शाम के टाइम पर आप ऐसा समझ लीजिए हम खाता बही में रिकॉर्ड कर लेते हैं कहां पे खाता बही में अब खाता बही में रिकॉर्ड होने के बाद हम कहां पे एंट्री करते हैं ट्रायल बैलेंस में अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है इसको हम हिंदी में बोलते हैं तलपट क्या बोलते हैं तलपट ट्रायल बैलेंस रियलिटी में बैलेंसेस की एक सूची है इट्स ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस अगर आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ट्रायल बैलेंस क्या है तो आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हो इट्स ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ये बैलेंसेस की एक लिस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे ट्रायल बैलेंस अब जब ट्रायल बैलेंस हमारा तैयार हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम क्या रेडी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है ध्यान से देखिए ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम सबसे पहले रेडी करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फिर हम रेडी करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम फिर रेडी करते हैं बैलेंस शीट यस तो इस तीन चीजों को जब हम रेडी करते हैं तो हमको बिजनेस के बारे में पता लग जाता है कि हमको एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ मैंने कितने लोगों से पैसा लेना है कितने को मैंने पैसा देना है मेरे बिजनेस की पोजीशन क्या है मेरे को बिजनेस में अभी तक घाटा हुआ मुनाफा हुआ मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज है कितनी लाइबिलिटीज है मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है तो ये सारी की सारी बातें आपको लास्ट में आके एग्जैक्टली पता चल जाती है अब तब आकर आपको अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता लग जाता है तो मैंने अभी आपको बिजनेस का एग्जाम्पल दिया बिजनेस में क्या होते हैं सबसे पहले लेन होते हैं उन लेन को आप कहीं पर रिकॉर्ड कर लेते हो रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको अलग अलग लिख देते हो उसको बोलते हैं खाता भाई खाता भाई में लिखने के बाद आप कहां पे लिखते हो ट्रायल बैलेंस

और मेरे बिजनेस में कितने अमाउंट की कैपिटल पूंजी लगी हुई है तो ये है हमारा अकाउंटिंग साइकिल एक बिजनेस के बिहाफ पर अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में इसको और समझा देता हूं मान लीजिए आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप डेली क्लास अटेंड करते होंगे अब जब डेली आप क्लास अटेंड करते हैं तो क्या होता है हम सबके पास स्कूल या कॉलेज में एक रफ नोटबुक होती है हम क्या करते हैं कोई भी टीचर आता है और हमें पढ़ा के चला जाता है हम क्या करते हैं हिंदी का काम वहीं पे इंग्लिश का काम भी वहीं पे अकाउंट्स का काम वहीं पर बिजनेस का काम वहीं पर फिजिकल एजुकेशन का काम वहीं पर तो जैसे ही कोई टीचर आया हमने क्या करते हैं रफ नोटबुक में अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं फिर एक पेज भरता है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर वैसे ही हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी रफ नोटबुक में सारे काम सारे काम आप करते रहते हो आप यही करते हैं हमने भी यही किया स्कूल में हमने एक रफ नोटबुक रखी होती थी रफ नोटबुक के अंदर हम क्या करते हैं सारे काम करते रहते थे घर पे जाके हम क्या करते हैं घर पे जाकर हम इंग्लिश की नोटबुक एक अलग बना लेते हैं मान लो ये इंग्लिश की नोटबुक है ये हमारी हिंदी की नोटबुक है ये मान लीजिए हमारी अकाउंट की नोटबुक है और ये मान लीजिए हमारी बिजनेस स्टडीज की नोटबुक है तो मैं क्या करूंगा घर पे जाकर रफ नोटबुक को डेली चेक करूंगा रफ नोटबुक को मैं डेली चेक करूंगा और रफ नोटबुक में से देखूंगा कि इंग्लिश का काम यहां पर हिंदी का काम यहां पर अकाउंट का काम यहां पर, business का काम यहां यहां पर पर बिजनेस का नेक्स्ट डे मैं फिर से देखूंगा नोटबुक अकाउंट का काम का मैंने यहां पे कर दिया इंग्लिश का काम मैंने यहां पे कर दिया बिजनेस का काम अगले दिन यहां कर दिया नेक्स्ट डे मैं अपनी रफ नोटबुक फिर से यूज कर रहा हूं स्कूल में या कॉलेज में तो मैं रफ नोटबुक को फिर देखूंगा रफ नोटबुक में से क्या इंग्लिश का काम अलग से हिंदी का काम अलग से अकाउंट का काम अकाउंट की नोटबुक में बिजनेस का काम बिजनेस स्टडीज की नोटबुक में तो आपने क्या किया रफ नोटबुक में से काम कहां पर कर 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 दिया अब फेर में कर दिया दिया फेयर 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 नोटबुक 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 में में अब अब बनाने के बाद आपका हो सकता है कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर ड्यूरिंग द ईयर छोटे मोटे टेस्ट भी होते हो अब टेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके थोड़े बहुत नंबर भी आते हैं अब साल के अंदर क्या हुए मान लो आपके नंबरों की एक लिस्ट बन गई कि आपके तीन महीने के बाद पेपर हुए ये नंबर आए छह महीने के बाद पेपर हुए ये नंबर आए और नौ महीने के बाद पेपर हुए तो ये नंबर आए तो आपकी एक नंबरों की लिस्ट बना दी गई ये आपके एग्जाम हो गए मान लो जो साल में छोटे मोटे एग्जाम चलते रहते हैं साल में छोटे मोटे एग्जाम चलते रहते हैं तो लास्ट ईयर में आकर जब आपका साल खत्म होने वाला है तो आपका एक बड़े वाला एग्जाम होता है अब जब बड़े वाला एग्जाम होता है तो बड़े वाले एग्जाम के तो नंबर लगते ही है पहले वाले एग्जाम के भी नंबर आपके इसमें ऐड कर देते हैं वो लोग क्योंकि यहां पे जो नंबर लगे थे आप में से. इस खिचड़ी में से आपने क्या किया सारी नोटबुक का काम अलग अलग कर दिया इंग्लिश का काम इंग्लिश की नोटबुक में हिंदी का काम अलग मैथ का अलग बिजनेस का अलग अकाउंट का अलग कर दिया इसके बाद आपके ड्यूरिंग ईयर टेस्ट हुए छोटे मोटे टेस्ट छोटे मोटे टेस्ट हुए और लास्ट में आकर क्या हुए? एक बड़े वाला टेस्ट हो गया आपका तो ये सारे जब बड़े टेस्ट हो गए तो आपका यहां पर आकर क्या हो गया फाइनल रिजल्ट मिल गया आपको क्या फाइनल रिजल्ट बिजनेस में भी ऐसा ही होता है ध्यान से देखिए ये जो मैंने आपको रफ नोटबुक बताई है ना इस रफ नोटबुक को, को मैं क्या कह सकता हूं जर्नल कह सकता हूं ये देखिए जर्नल इस रफ नोटबुक को मैं क्या कह सकता हूं जर्नल जर्नल में आप क्या करते हो सारी की सारी ट्रांजेक्शन खिचड़ी की तरह लिखते रहते हो फलाना आपको कुछ दे गया आपने लिख लिया कोई आपसे परचेज करके गया आपने लिख लिया कोई आपको सेल करके गया आपने जर्नल में खिचड़ी बना के लिख दिया किसी को आपने मजदूरी दी आपने जर्नल में लिख दिया रफ नोटबुक में लिख दिया ऐसा कह लो मतलब दिन के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है खिचड़ी बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो मतलब आपने क्या कर दिया जर्नल कर दिया शाम के टाइम पर आप क्या करते हो ध्यान से देखिए शाम के टाइम पर आप बनाते हो लेजर इस जो मैंने फेयर नोटबुक रखी है इस फेयर नोटबुक को मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखिए आप नोटबुक को मैं यहाँ पे कह रहा हूं लेजर क्या ये लेजर क्योंकि जब शाम का वक्त हुआ तो शाम के वक्त पर आपने क्या किया परचेज वाली एंट्री परचेज की जगह पर लिख दी सेल वाली एंट्री अपने सेल्स की जगह पर लिख दी वेजेस वाला अकाउंट आपने अलग बना दिया सैलरी वाला अकाउंट अलग बना दिया तो इस खिचड़ी में से हमने क्या किया इस खिचड़ी में से हमने सारी ट्रांजेक्शन अलग अलग जगह पे लिख दी जैसे हमने रफ नोटबुक में से देख देख कर फिर नोटबुक में काम करना था वैसे ही अकाउंट्स में क्या होता है अलग अलग लेन देन जो सिमिलर नेचर के होते हैं सेम होते हैं उसको हम अलग अलग नोटबुक में लिख देंगे तो पहली नोटबुक के अंदर मैंने क्या किया सारी परचेज खरीदने की एंट्री लिख दी क्योंकि इस खिचड़ी में से मैंने देखा कि मैंने कितनी बार दिन में परचेस किया था तो जितनी बार मैंने परचेस किया था परचेज मैंने यहां लिख दी सेल्स वाली सारी चीजें कॉमन यहां लिख दी वेजेस जहां जहां मैंने मजदूरी पे की मजदूरी वाली चीजें मैंने यहां लिख दी सैलरी वाली चीजें मैंने यहां लिख दी सिर्फ लिखी ही तो है तो मैंने इसको क्या नाम दिया लेजर नाम दिया खाता खाता बही का नाम दिया अब आप सोच के देखिए क्या आपको अभी तक इस दो स्टेप के ऊपर ये पहला स्टेप और इस स्टेप और सेकंड क्या आपको अभी तक ये पता लग पाया कि मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हुए लोस हुए लॉस अभी हमको कुछ भी नहीं पता लग पाया क्योंकि अभी तो हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या करेंगे अब हम बनाएंगे यहां पर एक लिस्ट किस चीज की बैलेंसेज की लिस्ट यहां पर अभी मैं बनाएंगे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इसको मैं क्या बोल रहा था ट्रायल बैलेंस अब मुझे रेडी करना है यहां पर ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं क्या करूंगा देखिए वाली जो मैंने कॉपी रखी है परचेज वाली जितनी भी मैंने एंट्री की है ना उन सबको आप टोटल कर लीजिए उस टोटल को आप सिर्फ यहां लिख लीजिए परचेज का टोटल कितना है सेल्स का टोटल कितना है वेजेस का टोटल कितना है सैलरी का टोटल कितना है कैपिटल कितनी है सारी बातें आपने टोटल टोटल की फॉर्म में लिख ली यहां पर आपको ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा डिटेल आपने यहां लिखी उस डिटेल को आपने अलग अलग कर दिया तो कहाँ पे आ गया यहां पे आ गया अब उस डिटेल को क्या करना है थोड़ा टोटल करके लिख लीजिए क्योंकि परचेज की मान लो यहां पर बीस एंट्री है अब बीस की बीस एंट्रीज का टोटल देख लीजिए तो टोटल आपने क्या किया यहां पर लिख लिया सेल्स का टोटल यहां लिख लिया वेजेस का टोटल यहां लिख लिया तो इसको मैंने क्या बोला ट्रायल बैलेंस बोला ये ट्रायल बैलेंस क्या है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस यहां से जो बैलेंसेस मैंने निकाले उन सब की एक लिस्ट अलग से बना दी और उसको मैंने क्या बोला ट्रायल बैलेंस बट ट्रायल बैलेंस बना लेने से ही हमको पता नहीं लग पा रहा ट्रायल बैलेंस बना लेने से ही हमको पता नहीं लग पा रहा कि मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुए या लॉस हुए अब मुझे ट्रायल बैलेंस के विहाफ पर ट्रायल बैलेंस को आधार बनाकर यह पता करना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुए लॉस हुए मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं लाइबिलिटीज मतलब मैंने कितने लोगों को पैसा देना है कितनों से लेना है मेरे बिजनेस में कितनी पूंजी लगी हुई है तो मैं ट्रायल बैलेंस को आधार बनाकर

मैंने कितने लोगों से पैसा लेना है कितनों को पैसा देना है मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे को इनकम टैक्स कितना भरना है मेरे को जीएसटी कितना पे करना है मेरे पास बिजनेस में कितने अमाउंट की मेरी पूंजी लगी हुई है कैपिटल लगी हुई है तो यहां पर आकर लास्ट जब आप फाइनल पेपर दोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट पता चल जाएगा फाइनल रिजल्ट आपको बता देगा कि आप बिजनेस ठीक कर रहे थे या गलत कर रहे थे हुए तो क्यों हुए प्रॉफिट हुए तो हुए? कहीं गलत तो नहीं खरीद ली खर्चे आपके कोई ज्यादा तो नहीं हो गए कहीं आपका कोई इंसान फ्रॉड तो नहीं कर रहा कोई आपके साथ छल कपट तो नहीं कर रहा तो ये सारी बातें आपको लास्ट में आके पता लगने वाली हैं। तो सिंपल सी बात है आप सोच के देखिए स्कूल या कॉलेज के अंदर हम रफ नोटबुक रखते हैं रफ नोटबुक में से हम काम फिर नोटबुक में करते हैं फिर आपके कुछ एक लिस्ट रेडी होती है लिस्ट के आधार पर हम ऐसा समझ लीजिए कि फाइनल पेपर देते हैं सेम ऐसा ही है अकाउंट्स में भी अकाउंट्स में हम सबसे पहले जर्नल में काम करते हैं जर्नल में आप ऐसा समझ लीजिए कि हम एक खिचड़ी बना देते हैं उस खिचड़ी में से हमको क्या करना है अलग अलग नोटबुक्स को मेंटेन करना है लेजर जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्लास तो मैंने परचेज की क्लास बना दी सेल्स की क्लास बना दी यहां वेजेस की क्लास बना दी सैलरी की क्लास बना दी क्लासेस बनाने के बाद मैंने क्या किया नेक्स्ट लेवल पर गया मैंने इन परचेज का टोटल किया यहां लिख दिया सेल्स का टोटल किया यहां लिख दिया वेजेस का टोटल किया यहां किया तो सब टोटल्स की एक लिस्ट बना दी उसको मैंने क्या बोला ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस बन गया पर आपको अभी तक तो ये तो पता लगा ही नहीं था अभी तक हमको यहां पर यह पता नहीं लगा कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हुए या लॉस हुए ये आपको कब पता चलेगा जब आपके फाइनल पेपर हो जाएंगे तो फाइनल पेपर जब आपके हो गए तो डेफिनेटली आपको अपनी एग्जैक्ट पोजिशन के बारे में पता लग जाएगा तो ये था हमारा सिंपल सा एक अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक